सेकेंड टी ट्वेंटी आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो गाइस यहाँ पे साउथ अफ्रीका एंड आयरलैंड के बीच टी ट्वेंटी सीरीज चल रहा है, जिसके पहले यहाँ पे मैच में अफ्रीका ने और आयरलैंड को हरा दिया। अब दोनों के बीच दूसरा और यहाँ पे लास्ट टी ट्वेंटी मैच होगा, जो कि यह सीरीज अबू धाबी में खेली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे थ्री ओडीआई मैच की सीरीज होगी। अब ऐसे में यह मुकाबले बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो नमस्कार, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे मैच की कंप्लीट एनालिसिस। तो गाइस जो कि यहाँ पे 29 सितंबर को दोनों के बीच यह दूसरा टी ट्वेंटी मैच होगा। तो यह मैच अबू धाबी के यहाँ पे शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय अनुसार यह मैच रात के 9 बजे से शुरू होगा। दोस्तों बात करते हैं हेड टू हेड की, जो कि एसए का हुआ है 6 और आयरलैंड का हुआ है 0। तो वेदर रिपोर्ट की बात किया जाए तो अबू धाबी में इस समय मौसम बहुत ही गर्म रहेगा। शाम को कंडीशन बहुत ही यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर होगी, जो कि बारिश का कोई चांसेस नहीं दिख रही है। रेन चांसेस 0%, ह्यूमिडिटी 79%, टेम्परेचर 32°C रहेगी। और गाइस यहाँ पे पिच रिपोर्ट की बात किया जाए तो जो कि शेख जायद स्टेडियम की पिच की बैटिंग थोड़ा यहाँ पे गुड मानी जाती है, और यहाँ पे न्यू बॉल थोड़ी सी टर्न करेगी यहाँ खासतौर पर नाइट्स में तो ज़्यादा ही करती है, लेकिन एक बार यहाँ पे पिच सेटल हो जाने पर बैटर्स को आराम से रन बना सकते हैं। और यहाँ पे बीच का ओवरों में स्पिनर का बल्ला यहाँ पे बोलबाला रहेगा। लाइट्स में बैटिंग ईजी हो सकती है, क्योंकि गेंद पर यहाँ पे गेंद थोड़ा बैट पर थोड़ा अच्छे से आसानी से आती है। तो गाइस पिच रिपोर्ट की बात करें तो विनिंग परसेंटेज की बात करें तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज 40%, फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 60%। ओवरऑल देखा जाए तो विनिंग परसेंटेज फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा है। दोस्तों बात करते हैं एवरेज स्कोर की, जो कि फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 143 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है 133। आयरलैंड शॉट एनालिसिस की तरफ देखा जाए तो जो कि पहले मैच में यहाँ पे टीम की ने बैटिंग में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन टीम ने 171 रन बनाए थे। और यहाँ पे स्टर्लिंग टीम के कप्तान है, जो कि ओपनिंग में रॉस एडे एंड यहाँ पे स्टर्लिंग स्टार्ट दिए हैं। तो गाइस यहाँ पे वो दिए थे। यहाँ पे बैटिंग की बात करें जो कि नंबर 3 पर हैं हैरी यहाँ पे टैक्टर हैं, जो कि यहाँ पे कर्टिस कैम्फर्ड ने सबसे ज़्यादा 49 रन बनाए थे, जो कि विकेट कीपर नेल रॉक ने भी 37 रन बनाए थे। ऑलराउंडर यहाँ पे जॉर्ज यहाँ पे डॉक्रेल एंड मार्क एडर टीम के प्लस पॉइंट होंगे, जो कि बॉलिंग में टीम टारगेट डिफेंड नहीं कर पा रही है, जो कि टीम ने यहाँ पर 5 बॉलर्स के साथ ट्राई किए थे, जो कि करेंगे यंग एंड मार्क एडर ने स्पेल की स्टार्ट की थी। यहाँ पे एक एक विकेट भी लिए थे और मैथ्यू को विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। और फ्यून हैंड यहाँ टीम के थर्ड पेसर हैं। और यहाँ पे स्पिन बॉलिंग में बेंजामिन यहाँ पे वाइट हैं। और यहाँ आयरलैंड प्लेइंगर की बात करें तो पॉल स्टर्लिंग, यहाँ पे हैरी टैक्टर, रॉस एडायर, कर्टिस कैम्फर, नील रॉक, जॉर्ज डॉक्रेल, मार्क एडायर, यहाँ पे बेंजामिन वाइट, यहाँ पे मैथ्यू ये क्रैगिंग यंग है और फ्यून हैंड है। की प्लेयर्स की बात करें दोस्तों तो बात करते हैं हैरी यहाँ ट्रैक्टर, यहाँ पे मार्क एडायर, नील रॉक। साउथ अफ्रीका शॉट एनालिसिस की बात करें, जो कि आखिरकार टीम ने अपनी एबिलिटी के अनुसार परफॉर्म किया था, और एडम मार्क नाम टीम के कप्तान है। और बैटिंग में टीम ने सिर्फ 2 विकेट ही खोकर 172 रन के रन चेस कर लिया था। ओपनिंग में रीजा हैंड्रिक्स और यहाँ पे रिकल्टॉन ने 136 रन की पार्टनरशिप की थी, जिसमें यहाँ पे रिकल्टॉन ने 76 और यहाँ पे हैंड्रिक्स ने 51 रन बनाए थे। नंबर 3 पर है मैथ्यू ब्रिक, यहाँ पे ब्रिटिश को चांस मिला था, जो कि मिडिल ऑर्डर में एडम मार्करम एंड ट्रिस्टन स्टब्स को पार्टनरशिप बिल्ड करना होगा। दोस्तों यहाँ पे विलियम मुल्डर भी रन बना सकते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे लास्ट बॉल से यहाँ पे पैट्रिक यहाँ पे क्रूजर और लिजर्ड विलियम्स न्यू बॉल से विकेट दिला सकते हैं, जो कि पैट्रिक यहाँ ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए थे। स्पिनर बियॉन ने यहाँ पे 4 रन में निकावा या पैटर्न से यहाँ पे भी एक एक विकेट निकाले थे। एंट्री यहाँ बैटमैन ने यहाँ पे विलियम मुल्डर को भी एक एक विकेट मिला था। जो कि प्लेइंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर रियाना रिकल्टॉन है, रीजा हैंड्रिक्स, मैथ्यू रिया, यहाँ पे ब्रिडिस, एडम मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, विलियम मुल्डर, पैट्रिक्स क्रूजर, ओटिनेल बैटमैन, यहाँ पे बियॉर्न फोइटेन है और न्यूबान पैटर है और यहाँ पे लिजार्ड विलियम्स है। की प्लेयर्स की बात करें तो एडम मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, रीजा हैंड्रिक्स हैं। ड्रीम 11 फैंटेसी टीम की दोस्तों बात करें जो कि विकेट कीपर नील रॉक हैं, बैटर्स सामने एडम मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, रियाना यहाँ पे रिकॉल्टर, रीजा हैंड्रिक्स हैं। बॉलर्स में शामिल है पैट्रिक क्रूजर, यहाँ पे क्रेग यंग है। और रनर में शामिल है विलियम मुल्डर, मार्क एडर,
जॉर्ज डॉक्रेल हैरी यहाँ पे डॉक्टर हैं। प्रेडिक्शन की दोस्तों बात करें जो कि फाइनली बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ, जो कि आखिर कौन सी टीम होगी जो कि इस मुकाबले को जीत दर्ज कर सकती है, नज़र आ सकती है। तो गाइस यहाँ पे तो देखिए दोनों टीम्स की बात कर रहे हैं, अगर प्रेडिक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे अफ्रीका स्ट्रांग नज़र आ रही हैं और यहाँ पे पहला मैच जीत कर उन्होंने दिखा भी दिया कि वो, जबकि आयरलैंड कर यहाँ पे कैंडियन फ्लॉप चल रही है, जो कि करेंट स्कोर को देखें तो मैच का विनर साउथ अफ्रीका हो सकता है। तो गाइस आप अपने हिसाब से कौन सी टीम, आपको हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो पर हम फिलहाल फुल स्टॉप लगाते हैं और गाइस आशा करती हूँ आप लोगों को प्रेडिक्शन अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी रहने खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको मिल जाएंगे सारे मैच से रिलेटेड, मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़। लौटूंगे एक नए प्रेडिक्शन के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।